जैसे तो हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की फेज टू की जो परीक्षा उसकी कट ऑफ अनुमानित क्या हो सकती है। इस कट ऑफ को बताने का जो मेरा मेन मकसद है, हम केवल केवल यहाँ पर जनरल सामान्य के कट ऑफ की बात करेंगे। सामान्य में भी जो अदर स्टेट के भर्ती जिस सीट पर फाइट करेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कट ऑफ में केवल 6 से लेकर 8 तक, मैंने जो जूनियर की परीक्षा हुई है या मध्य विद्यालय की जो परीक्षा हुई उनको लेकर बात करेंगे। मध्य विद्यालय में सामान्य का जो कट ऑफ होगा उसमें SST मैंने सोशल साइंस की कट ऑफ क्या जा सकती है, दूसरा साइंस मैथ की कट ऑफ क्या जा सकती है, भाषा में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और विषयों की कट ऑफ लेकर आऊँ तो आप कॉमेंट करेगा, उनको मैं लेकर आऊँगा। लोग को लग रहा होगा सर आप 3 दिन बीत चुके फिर आप कट ऑफ क्यों ला रहे थे, कट ऑफ जब तक एनालिसिस ना हो पाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई भी कट ऑफ बता दें। मतलब एक अनुमानित होता है कि पेपर का क्या किस कंडीशन का, उसका कठिनाई स्तर क्या है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कठिनाई स्तर के साथ साथ अब पेपर में 100 से 200 लोगों से बात करने में कितने मार्क्स गए हैं, कितने लोगों के प्रश्न सही हुए हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हो पाती तब तक ऑथेंटिक कट ऑफ नहीं आ पाती। मेरे द्वारा इलानी भी दुर्गेश के माध्यम से जो अब तक कट ऑफ बताई गई अभी तक एकदम फैक्ट एग्जैक्ट कट ऑफ रही है। इसके पहले जो BPSC ने परीक्षा कराया था उसकी भी जो मैंने कट ऑफ बताई थी एग्जैक्ट बताई थी, थोड़ा ज्यादा लोगों को लग रहा था क्योंकि यानी यूट्यूबर उनको 50-47 बता रहे थे और मैंने एकदम एग्जैक्ट 70 के आसपास कट ऑफ बताया था, तो वही 70 के आसपास कट ऑफ गई थी शायद आपको याद होगा। तो मेरे द्वारा बताया गया 74 जैसे शिक्षक भर्ती रहा हो, मतलब मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताया जाता है एकदम एग्जैक्ट और फैक्ट आगे होता है। तो इस तरह से भी आज ही मैं सारे कट ऑफ को बताने का प्रयास करूंगा, ये अनुमानित कट ऑफ होगा। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले कुछ अहम बातें आप जान लीजिएगा। पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि अगर मैं जो कट ऑफ बताता हूं अनुमानित कट ऑफ, तो अगर आपके उससे ज्यादा अंक है तो आपको सेफ जोन में लगता है, आपको लगता है मैं सुरक्षित हूं। लेकिन आपको अगर उस कट ऑफ से नीचे अगर आपके अंक रहते हैं तो आप गलत प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि आपके अन्य यूट्यूबर बता रहे हैं आप सेफ जोन में है लेकिन मैं जो बताता हूं उसके नीचे है, तो एकदम ये दिमाग से बातें निकाल देंगे जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताया कि अनुमानित कट ऑफ होगी। हो सकता है उससे कम में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा भी कट ऑफ चली जाए, तो पूरी तरह अनुमानित है। आप इसे अपने दिमाग पर किसी प्रकार का नहीं प्रेशर बनाइएगा न दूसरे पर बनने दीजिएगा। इसलिए इस बात को एकदम विधिवत रूप से जान लीजिएगा कि जो BPSC का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ एक अनुमानित कट ऑफ है, और कम है या ज्यादा है ये परिणाम आने पर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट मेल और फीमेल इन दोनों की कैटेगरी को हम लेकर चलेंगे और इन दोनों पर ही मैं बात करूंगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं SST की तरफ, क्योंकि पेपर की जो कठिनाई स्तर की बात करें तो इस बार की जो कठिनाई स्तर थी वो उतनी नहीं रही जितना लोगों ने हवा बना के रखा हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि 6 से लेकर 8 तक के SST में, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो हमने मैराथन क्लास पढ़ाई थी ज्योग्राफी का सेशन अगर आप उठा के देख लें तो उसमें 40 सवाल पूछे गए थे, 30 सवाल आपको हमारे मैराथन क्लास से मिल जाएंगे। अगर आपको विश्वास ना हो 12 घंटे की एक मैराथन क्लास है, एक ही क्लास आप देख लीजिए 30 सवाल भर जाएंगे, माने 80% सवाल भारत के भूगोल से, भारत के भूगोल की मैराथन सीरीज से आए थे। इतिहास की बात करूं तो एक इतिहास के 3 मैराथन पड़ी थी, तीनों मैराथन अगर आप देख पाएंगे तो 80% सवाल आप कवर कर लेंगे। केवल हमने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाई थी, वर्ल्ड हिस्ट्री को ऑफ कर दिया जाए तो बाकी हिस्ट्री के 80% ज्यादा सवाल आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के जो मेरे द्वारा मैराथन क्लास पढ़ाए गए थे वहां से थे। चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, चाहे आप इस सेशन की इकोनॉमिक्स की बात कर लें, और नोट्स से क्वेश्चन भी रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया हो ना, अगर मैराथन क्लास पढ़ा हो या आपने नोट्स पढ़ा होगा आपको यकीन है, वैसे अगर आप कहेंगे तो सारे प्रश्नों को कोट करके नोट्स के साथ हम आपको संलग्न करके दे देंगे कि कितने प्रश्न ऐसे थे जो BPSC के ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पूरे कट ऑफ की अगर मैं चर्चा करूँ तो अगर SST की बात करूँ तो ये देखिए मैं अदर स्टेट की बात करूँ, यहाँ पर जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ वो जनरल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। इस जनरल में ऊपर की जो कट ऑफ होगी मेल और नीचे की जो होगी फीमेल। देखिए SST का पेपर जो था इसमें अगर मैं बात करूँ GS मैंने इन पूरे SST हो साइंस मैथ हो लैंग्वेज हो इन 6 से लेकर 8 तक के पेपर में जो GS का सेक्शन था 40 नंबर GS GK और मैथ का जो था वो कठिनाई स्तर उसकी ज्यादा थी, लेकिन जो सब्जेक्ट था उस पर आप अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो पकड़ मजबूत होगी। पेपर कितने लोगों ने दिया ये बात से माने रखता है कि जो कट ऑफ की वैल्यू की जाती है वो बहुत सारे भर्ती ऐसे जो आपको लगता है यार नहीं आपके ज्यादा सही, लेकिन कुछ ऐसे भर्ती होते हैं जो बंद कमरे में लगातार पढ़ते रहते हैं आते रहते हैं और लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप SST की मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो अगर मैं एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूं कि इसके 5+ माने जो मेरी पूरी कट ऑफ होगी वो +-5 पर पूरी कट ऑफ होगी, माने जो कट ऑफ होगा ये भी ध्यान दीजिएगा ये +-5 होगा, माने एकदम एग्जैक्ट ध्यान दीजिएगा एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं होता लेकिन +-5 कट ऑफ रहेगा। तो अगर SST में मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने ध्यान समझने का प्रयास करिएगा 81 प्रश्न अगर आपने सही किया है
मेल कैंडिडेट में आप ये मान के चलिए कि इसमें प्लस माइनस 5 हम कर सकते हैं, 86 भी जा सकती है, 76 भी जा सकती है, ठीक 75 भी जा सकती है, 76। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो कट ऑफ होगी मेल की वो 81 होगी, 81 के नियर अबाउट कट ऑफ होगी। फीमेल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो फीमेल की कट ऑफ होगी वो यहां पर, ये भी आप लोग जान लेगा, जो फीमेल की कट ऑफ है वो यहां पर 74 होगी। यहां पर भी मैंने आपको पहले कहा इन दोनों में प्लस माइनस 5 है यहां पर। तो एसएसटी के लिए जो था, क्योंकि एसएसटी में कुछ नोट्स जिन्होंने पढ़ा था, कुछ अच्छे अभ्यर्थी थे जो इनकी पकड़ अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मेरिट काफी खेलने का प्रयास करी थी, मतलब मेरिट ऊपर नीचे होने का प्रयास करी थी, अच्छे कंडीशन में मेरिट थी। दूसरे अगर मैं बात करूं साइंस और मैथ की, तो साइंस मैथ में देखा जाए तो गणित में क्या था ना, टाइम टेकन था, मतलब यहाँ तो आपको उत्तर आता तो आपने कर लिया एसएसटी में, लेकिन जो साइंस मैथ में था, मैथ के कुछ प्रश्न ऐसे थे जो टाइम टेकन था, मतलब समय लग रहे थे, और जीएसजीके में तो कमर आपने देखी किस तरह तोड़ दिया है। तो अगर मैं साइंस की में बात करूं तो जो हमारी अनुमानित कट ऑफ है यहाँ पर मेल के लिए, मेल की जो कट ऑफ यहाँ पे जाएगी वो 78 लग रहा है कि 70, क्योंकि पोस्ट क्या है ना कम है। तो यहाँ पे मैं अदरिस्टेड जनरल की सारी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेल की 78 जाएगी, और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल जो है वो 72 होगी। अब ये अदर स्टेट अभ्यर्थियों के लिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को मुझे बार बार ये बताना पड़ रहा है, समझाने का प्रयास करना पड़ता है, यहाँ पर फिर मैं बताऊंगा ये दोनों जो कट ऑफ है ये प्लस माइनस 5 है, ध्यान दीजिएगा ये 5 प्लस माइनस 5 कट ऑफ है, माने 5 ज्यादा भी हो सकता है और 5 कम हो सकता है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, भाषा, तो भाषा का पेपर क्या था, इसका भी जीएस जीके वाला जो सेक्शन था वो स्ट्रांग था, लेकिन जो मेन 120 नंबर का पेपर था जहाँ से हमारी सीरीज और आपका बन सकता था, वहां पे यहाँ अगर हम यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात करूं तो जो मेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर 84, मतलब मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ जाएगी जो मुझे लग रहा है अनुमानित, तो वो 84 जाएगी। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे 79 कट ऑफ, तो यहां पर भी ये है प्लस माइनस 5, ये है प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। तो यहां पर जो पूरा कट ऑफ था, तो यहां पे जितना मैंने कट ऑफ बताया ये अदर स्टेट के लिए कट ऑफ है, और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो यहां पे जो जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी होंगे उनके लिए कट ऑफ है। अब यहां पे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, कारण ये है कि इससे मेरिट क्योंकि बहुत ज्यादा हाई भी जा सकती है कि संख्या ज्यादा थी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट नहीं है और उन्होंने फॉर्म भर दिया था। तो यहाँ पे कट ऑफ से रिलेटेड जो थी वो मैंने सारे फैक्ट आप क्लियर करने का प्रयास किया है। ये अदर स्टेट के लिए है, अदर स्टेट हो या सामान्य कैटेगरी, यूं कह सकते हैं सामान्य, मैंने सामान्य, ये सामान्य का कट ऑफ मैंने बताया है, सामान्य का मैं यहाँ पे शायद ऊपर लिख भी देता हूँ, जो कट ऑफ जहां पे मैंने लिख रखा है ये हो जाएगा सामान्य, ये पूरा सामान्य का कट ऑफ है। अब कट ऑफ से जुड़े अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप वीडियो सेशन में कमेंट करिएगा। अगर कोई आपके व्यक्तिगत सवाल हो, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि साइंस के जो सवाल थे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स रहे हैं, अगर हिंदी की बात करें चाहे व्याकरण हो चाहे साहित्य से जो भी सवाल आए हैं वो भी नोट्स मिल गए होंगे। अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर आपने मैराथन सीरीज पढ़ी है उसका भी फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा, और यस्टेड की जो तैयारी करें बीपीएससी की परीक्षा के अगले टेस्ट की वो भी चाहें तो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि जिनका कट ऑफ से कम आ रहा है वो अपनी तैयारी जारी रखें, जिनके कट ऑफ पार है वो भी अपनी तैयारी ज्यादा रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हो सकता है परिणाम इससे कुछ पलट कर आए और कम भी आ सकता है, हो सकता है जो मैंने कट ऑफ बताया उससे काफी कम आ जाए, हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो ये अनुमानित है, इससे आप अपने अंक को एक जोन मान सकते हैं, आप किस जोन में सुरक्षित हैं या अभी आप किस जोन में आगे बढ़ सकते हैं, इसे अपने हृदय पर मत लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने साथ अपने मित्रों को शेयर करेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई जवाब हो तो यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, और हम चाहेंगे कि सेशन को इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों को शेयर करेगा। नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे सभी क्लास की नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर आज ही दुर्गेश सर सर्च करके
ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। जैसे आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे सभी क्लास की नोट्स और लिंक मिल जाएगी। मेरे द्वारा सभी क्लासे निःशुल्क आपके लिए देशित मराशित में इस चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके लिए एक अनुमानित कटाफ थी, जिस कटाफ के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को बेस्ट साबित कर सकते हैं। फिलहाल इससे अन्यथा मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी के नंबर कम, हो सकता है यहाँ पे किसी कम या ज्यादा हो। SST की बात करूँ, हो सकता है किसी पुरुष के 86 भी हो, कुछ को 76 भी हो, कुछ के 56 भी होंगे, तो ये उम्मीद लगाए होंगे कि यार मैं 70 भी हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी है, ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा, हो सकता है उतनी मेरिट चली जाए। इसलिए आप पूरे मनोयोग के साथ रखिएगा, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि स्टेट सामने है। और अगर TGT PGT की तैयारी करें, TGT PGT के बिहार में क्रमवार रूप से भर्ती आएंगी। अब जो आपके साथ नहीं हो पाया, जहाँ पे कमियां रहेगी उस कमियों को पहचानिए और उस पर आप काम करने का प्रयास करिए। यकीन मानिए आप बेस्ट और बेहतर की तलाश में धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ेंगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो को सभी मित्रों तक साझा करिएगा, पहुंचाइएगा और नोट समझ इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिएगा, टेलीग्राम पर जो जुड़ रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।